अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? लेडी शाहपुर कांजरा, और ईद के बाद पहला बुध है जो मंडी लगी है। बस ये थोड़ा सा माल है, तकरीबन 8:30-9 का टाइम है सुबह। ये जानवर वहाँ आगे नहीं लेके जा सकते क्योंकि पर्ची है आगे, वो इन्होंने मेन पे लगा दिए जो मंडी से पहले लगाई थी इन्होंने। ये जानवर इनका रेट लेके देता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखनी है आपने। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। ये सारा कार्टून माल है स्टार्ट में, इसमें कुछ ऐसे जानवर भी हैं रखने वाले, तो वीडियो आपने लास्ट से देखनी है। इनसे प्राइस पूछ के बताता हूँ आपको क्या सीन है। भैया कितने पैसे जोड़ी से मांग रहे हो? 60,000 रुपया। अच्छा जी, 60,000 रुपया जी ये जोड़ी है, दोनों हैंडल है। ये काटू माल की बकरी है। ये जानवर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारी सर नज़र आ रहे हैं पर यहाँ पे माल कोई नहीं है। ईद के बाद अभी इतना खास माल नहीं है। ये एक भाई ने ब्रीडर पकड़ा हुआ, इससे कितने के भाई? 65,000। मेरी 65,000 रुपये मांग रहे हैं ईद पे। यही बकरे 80-90 के मांगते थे। ये दिन मक्खी जी ने बकरे हैं इनके पास, ये चेक करें। भाई कितने पैसे मांग रहे हो जोड़ी दे? जोड़ी दे कितने मांग रहे हो? जोड़ी दे 1,00,000 रुपया मांग रहे हैं जी। 1,00,000 रुपया? 4,000 रुपये दोंदे ने? दोनों दोंदे हैं जी। 1,00,000 रुपया मांग रहे हैं, खसी बकरे हैं दोनों। ये पीछे वाला कितने का? ये भी 50,000 रुपये का। ऐसे तरह ही पैंठ के बिके ने, 60 से कोई गल नहीं, 65-70 के बिके ने। जिदा जरा जहाज जिते लगे जो दा, ये चेक करें। ये भी ये काटू माल है सारा। ये जी मंडी की सूरत हाल, क्योंकि आगे माल नहीं, आगे कोई माल नहीं है। वो मक्खी जी ने दिखा के, और बायर पट्टी पे मेन रोड पे माल है, यहाँ से आगे लेके जाएंगे तो 100 रुपया उनको देना पड़ना है, पर इन्होंने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। ये बस कहते हैं हमारा फ्री खाते में माल बिक जाए। ये चेक करें, ये मक्खी जी ने भाई के। पापा देंगे साजी, किन्ने किन्ने पैसे लग रहे हैं? 70,000 पुट्ठा। अभी जायज जायज गल करो भाई, कोई मुनासिब पैसे दसो। हूँ 70,000 ही थोड़ी है कि 70,000 का बिकना है। ये जी माल चेक कर लें, सारे मक्खी जी ने बकरे, ये इनके इसी पे बच गए हैं ये वाले बकरे। अगर ना बचे होते तो इनका रेट और होता। अब ये बिक रहा है जिसमें 22 से 24 किलो गोश्त है, 70,000 मांग रहे हैं। ईद वाला रेट मांग रहे हैं भाई ये बकरे। ये बकरे अच्छे हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई? ठीक है, ले लिए सारे बकरे हैं इनके पास मक्खी जी ने। इसमें कुछ बकरे बीच में खीरे हैं, बाकी सारे धोंदे। और एक भाई ने इनको 40,000 पुट्ठा लगाया, पर इनका फिर भी माइंड नहीं बना देने का। इसमें हल्के भी हैं और थोड़े से वजनी भी हैं, पर ठीक है, 40,000 भाई ने सही लगा दिया। बाकी क्योंकि उस तरफ माल कोई नहीं है, सारा माल इधर ही है, तो ये है कि मैं यहाँ से आपको कोई जानवर वगैरह दिखा देता हूँ। आगे फिर बकरियों की और कजलों की अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। ये चेक करिए, 4,000 बकरा जी। कितने पैसे बकरे थे? 25,000। इसके 50,000, 39,000। चेहरा भी आ गया जी भाई, तुसी लो जनाब, काटू माल है, तुसी ते कसाइयां ने गोशत दे भाई लेना है, लो इन्हां नूं मुल लाओ, 8,000-10,000-12,000 ते ले लो। लेडी मोस्टली 95% लोग ना यहाँ से माल खरीद के इधर ही खड़े होके बेच देते हैं, तो ये इनका हुनर है। ये सारा काटू माल है। बाबा जी कितने पैसे मांग रहे हो? 40 मांग रहे हैं जी बाबा जी। और ये देखे नहीं पहाड़ी बकरा। बाबा जी कितने पैसे आप मांग रहे हैं इसके?
60,000 रुपया और ये जोड़ी है 40,000 की, ये आपको पहले से 30 की मिल जाएगी। ये मुंद्रा छतरा भाई, कितने पैसे मुंद्रे थे? 22,000 रुपया। ये 2022 के लिए भी लग जाएगा, अगर किसी बंदे ने लेना हो तो 16-17 में बन जाएगा ये भाई। ये जोड़ी कितने की है? 65,000। देख लो इनके रेट आस्ता आस्ता नीचे आते जाएंगे, ये तो गली की है ना भाई। अब भैया पट कितने की है? कितने की? 15,000 की पट है जी ये। इसकी बचा किधर है? अच्छा पहला सूखा है इसका, कपन है खाली। अच्छा ठीक है अभी भाई क्रॉस नहीं हुई, ये ही काटू मारने पट्टे पट्टा नहीं है भाई। ये माल है थोड़ा सा, आप देख सकते हो माल इतना खास नहीं अभी तक आया मंडी में। ये सारा काटू माल है भाई, टोटल सीधी बकरे हैं। इसका मैंने आपको रेट दे दिया, ये नहीं बच्चियाँ जा रही हैं और ये मेन रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी कोई सीन नहीं है, सारा काटू माल है। अभी भाई ऐसा ना, अभी तकरीबन 1-1.5 महीना सीन ऐसे ही है, कोई भाई जोड़ी कितने की है? कितने की? 1,00,000 रुपये की। अच्छा 1,10,55,000 इन बकरों का, अभी भी इनका ईद वाला रेट है, कोई बात नहीं। ये भी काटू माल के बकरे हैं दोनों भाई। कितने के लिए हैं? 45 के। वो भी कसाई ने, ये सबसे बड़ा झूठ है, कसाई वो भी 45 का कभी नहीं ले सकता। ये उसने मुश्किल 28,000 रुपये के लिए होंगे, क्योंकि 15-15 किलो गोश्त है इनमें। सही है चलो जी, ये चेक करें, ये भी सारा काटू माल है। अच्छा एक इसी वीडियो के साथ साथ एक बात भी आपको बताता चला हूँ, साहिवाल से और पत्तों किसी जो व्यापारी आते हैं ना लोग शाहपुर कांजरा मंडी में माल बेचने के लिए, आप यकीन करो वो यहाँ से बकरी लेते हैं, बच्चों वाली यहाँ से बकरी लेंगे 16,000, 17,000, 20,000, 22,000, 25 की लेंगे, उसको प्लाट में जाए खड़ा कर देंगे और मांगेंगे 70,000, 80,000, इस तरह करके पैसे मांगेंगे, गानियाँ शानियाँ डाल के उसको लोड शोड करके। ये सारा काटू माल है जी, मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ और मेन रोड पे बस यही माल था, इसलिए मैंने अंदर जाना था, लेकिन अंदर तो अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बताना ये है कि माल इतना ख़ास नहीं है, सारा फंडर और काटू माल है। बीच में कुछ बकरे अच्छे हैं जो मक्खी चीने हैं और एक दूसरा सिंधी बकरा, बाकी ये मंडी की सूरत हाल है। अभी लोग आ रहे हैं, फिर अभी प्रोफेसर ने तो यहाँ पे खड़े भी नहीं होने देना, और ये अब अपना 100 रुपया बचाते हुए अंदर नहीं जा सकते ना, अंदर जा ही नहीं रहेगी। एक जानवर की पर्ची 100 रुपया यहाँ से एंट्री, वो कहते हैं भाई फिर बाहर रहो अगर नहीं पैसे देने तो। बहरहाल जी ये कस्टमर भी आ रहा है, माल भी बिक रहा है। ये पाठ है, कितने पैसे भाई इसके? कितने पैसे मांग रहे थे? 14,000 छिकी पाठ है बूटी, ये इन्होंने लिए हैं जी भाई ये वाले। ये भी सारा सीन है मंडी की। ये दुम्बे हैं भाई, अरे दुम्बा कितने कितने का है? दुम्बा कितने कितने था है दसो, किन्ने का दुम्बी? किन्ने दी? 20,000 की। ये फीमेल है जी 20,000 की, ये चेक कर। अब आपको पता है कि भाई छतरा कितना का? 36,000। थोड़ी देर और खड़ा हो भाई फिर। ये जी कजला छतरा इनके पास भाई, कितने पैसे छतरे के? कितना? 1,00,000 रुपया। ये जी 1,00,000 रुपया मांग रहे हैं इसका। चलो अभी वेट करो भाई, अभी ईद अभी गुजरी है लें दी। यहाँ तक तो ये सीन था, बाकी ये है कि आगे जाके थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, अभी सारी फंडर बकरियाँ गोश्त के लिए कसाई लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे माल नहीं खड़ा होने देना उन्होंने, पट्टी पे भी नहीं खड़ा होने देना, क्योंकि उन्होंने चेक पोस्ट अपनी को सामने लगाई हुई है, जो 100 रुपये एंट्री देगा वही आगे जाएगा, और बड़े जानवर का 500, बकरे का 100 रुपया। बाकी आगे जाके मज़ीद वीडियो बनाता हूँ। अंदर वाली साइड पर कुछ नहीं है,
और जो सरगोधा से माल आता है वो ये वाले कजले हैं, इनकी अलग से वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप देख लें पट्टी पर भी कुछ नहीं है, ये कुछ कजले बचे हैं और छोटे से मुंदरे हैं, इनका भी रेट लेके देता हूँ आपको, पूछता हूँ क्या सीन है इनका। 2022 के लिए लग जाएंगे ये सारे कजले हैं, ये चेक करें। ये जी कजले बचे, 5 निशानों में बचे हैं ये। ये वो लाख है, ये 5 निशानों में है। इनके मैं प्राइस पूछ के आपको बताता हूँ। अंकल ये दे पैसे, 10,000 बकरे दे, ये ले ले दे। इसका 35,000, इसका 35,000। 35,000 से लेके कितने तक हैं ये बचे? 50,000। ये 35 डिमांड करेंगे इनकी, और थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लेंगे, क्योंकि ये है कि जो 35 मांगे आपको 27-28 में मिल जाएगा। और इनके पास 50,000 रुपये तक इधर बच्चा इनके पास है, डिमांड ही इनकी 50,000 है, प्राइस वो कर लेते हैं। ये बच्चा कितने का राजनपुरी? कितना? 60। ये इसका 60,000 रुपये मांग रहे हैं। लो जी, ये जी वेडनेसडे की अपडेट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पे थोड़ा सा माल है और ये बाकी सारी पट्टी खाली है। वो कुछ छोटे मुंदरे हैं, आपको पता है कि मुंदरों का कस्टमर बहुत ज़्यादा है, पर मंडी खाली है आपके सामने। अंदर थोड़ा सा मुंदरा आया, उस पर भी अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। बाकी ये देख ले रही, ये सारे छोटे बच्चे 2022 के लिए, इनके भी मुख्तलिफ रेट हैं। ये कितने का? ये बच्चा कितने का? 20,000 इसकी डिमांड है जी। ये जी फुल कक्का मुंदरा, कितने महीने का ये? डेढ़ महीने का है, 20,000 मांग रहे। कितने का दोगे फाइनल? 14,000 में दे दोगे? 14 में नहीं देना, चोरी के नहीं है, 14 में नहीं देना इन्होंने। बहरहाल जी इधर आपको मिल जाएंगे। ये मादी कितने की है भाई? 22,000। बहरहाल ये जानवर आप देख लो, ये 2022 के ये तैयार हो जाएंगे, पर इन पर मेहनत बहुत ज़्यादा भाई, फुल हैवी मेहनत है इन पर। ये सारा सीन है जी मंडी का। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता हूँ अभी, तो डेली वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ये थी जी मंडी की सूरत हाल, और माल शाल कोई नहीं है इतना ख़ास। तो ये सिंधी बकरे जी, कितने पैसे भाई सिंधी के? 50,000। ये जी 50,000 रुपये मांग रहे हैं इसका। ये जी ये सूरत हाल है मंडी की। अब वो कजलों पे अलग से वीडियो बनाते हैं, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो आती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।